Did you know कि 2009 में एक ऐसी यूनिवर्सिटी आई जो खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एस्टैब्लिश की थी, who was then the चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड विद एजेंडा ऑफ एंकरेजिंग, प्रोक्योरिंग एंड नर्चरिंग फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स इन आर कंट्री. मैं बात कर रही हूँ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की, हुज फ्लैगशिप कैंपस इज इन गांधीनगर, गुजरात. वेलकम टू सुपरग्राड्स चैनल, आई एम आकांक्षा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी की, एज आई सेड NFSU. उसके बारे में हम देखेंगे स्पेसिफिकली जो वो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर करता है. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द IPM प्रोग्राम. व्हाट डज इट ऑफर, इट्स करिकुलम, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट फीस एंड एक्सेट्रा. सो आई होप यू स्टे थ्रू आउट द वीडियो, वी विल टेक 5 to 6 minutes. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ब्यूटिफुल से यूनिवर्सिटी की, एज आई सेड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ लॉट्स ऑफ प्रोग्राम इन अक्रॉस आर कंट्री विद 10 campuses. एज आई सेड इसका फ्लैगशिप कैंपस जो है वो गांधीनगर में लॉन्च हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था. इसके अलावा 8 ऐसे कैंपसेस हैं जो इंडिया में हैं एंड 1 campus हैज बीन एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ इंडिया आल्सो. तो फटाफट से कैंपसेस देख लेते हैं. हमारा पहला कैंपस जो है वो है गांधीनगर गुजरात, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़ विच इज इन कर्नाटका एंड लास्टली जो अब्रॉड में है वो है इन युगांडा. मूविंग ऑन, काफ़ी ही मल्टी करिकुलम वाला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स में ये प्रोग्राम्स ऑफर करता है. यूजी में, पीजी में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डॉक्टोरल. यूजी में लॉ का ही एक लौता ऐसा प्रोग्राम है जो आपको मिलेगा. बिसाइड्स दैट, पीजी में देर आर अ लॉट्स ऑफ साइंस, लॉ एज वेल एज मैनेजमेंट प्रोग्राम. अब आते हैं जिस प्रोग्राम के बारे में हमें इस वीडियो में बात करनी है, विच इज़ अ 5-year ब्यूटिफुल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जहां पे आपको ब्लेंड मिलेगा मैनेजमेंट के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस का. यस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं. ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में लाई करता है IPM प्रोग्राम. 5 साल का ये प्रोग्राम है. BBA प्लस MBA ये डिग्री ऑफर करता है. 3 years UG, 2 years ऑफ MBA. MBA में इट ऑफर्स 3 वेरी अमेजिंग स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी ही अमेजिंग और एक न्यू एज स्पेशलाइजेशन है. सेकेंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड थर्ड बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस. जैसे कि मैंने कहा, ये जो पूरे 3 स्पेशलाइजेशन है, द आउटकम ऑफ दिस इज टू ब्लेंड अ पर्टिक्युलर यू नो स्टूडेंट विथ 2 skills, मैनेजीरियल एज वेल एज टेक्निकल. मूविंग ऑन, इस प्रोग्राम की जो सीट इनटेक है वो 40 इन गांधीनगर कैंपस एंड 30 इन दिल्ली कैंपस. इसकी जो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर वो है 60,000 rupees ओनली. इसका मतलब ये है कि ये एक वन ऑफ अ काइंड ऐसी यूनिवर्सिटी है विच इज़ पॉकेट फ्रेंडली. और IPM जैसा जो हमारे कंट्री में इतने सारे यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है प्रोग्राम, उसमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कॉलेज यही है. लेटर ऑन हम इसके प्लेसमेंट्स भी देखेंगे जो आपको और ज़्यादा इंट्रीग करेंगे. मूविंग ऑन, हम बात करते हैं, अच्छा जो फीस मैंने बोली वो पर सेमेस्टर है, विच मीन्स अक्रॉस 10 semesters जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. नाउ मूविंग ऑन, इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं. तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है. टू टेक एडमिशन फॉर द IPM प्रोग्राम, यू जस्ट हैव टू अपियर फॉर इट्स एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशंस टेस्ट, जिसको हम NFAT के भी नाम से जानते हैं. Yearly conduct होता है. It started conducting its entrance test from the year 2023 and ये इसका 3rd year होगा. So entrance के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. Entrance exam जो है वो एक computer based MCQ test है जो multiple centers में conduct होता है across our country. And इसका जो paper pattern है वो इस तरीके से divided है. 100 questions are being asked.
one mark each for the correct answer and it also has a negative marking of 0.25. Subjects या फिर sections की अगर हम बात करें तो 6 sections में divided होता है पूरा paper pattern. One is GK, other is logical reasoning and aptitude, third is mathematical reasoning, fourth is data interpretation, fifth is information and communication technology ICT, and lastly कम्युनिकेशन जिसमें आपके लैंग्वेज या इंग्लिश स्किल्स टेस्ट होती हैं. इस एंट्रेंस को अपीयर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है दैट यू मस्ट पास योर 12th विद अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट. अब ये जो 60% है इट इज फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी लाइक एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है. इसका मतलब मिनिमम 55% आपके होने चाहिए एग्रीगेट. मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की. तो इसके प्लेसमेंट्स अगेन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं एज वी कंपेयर विद द फीस. इसका पूरा ओवरऑल 5 साल का जो फीस है इसका अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग एज आई सेड काफ़ी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है टू परस्यू योर मैनेजमेंट करियर. द हाईएस्ट प्लेसमेंट इन 2023 वेंट अराउंड 67 lakhs पर एनम एंड द मीडियन वेंट अराउंड 13 lakh पर एनम. इसके टॉप रिक्रूटर्स भी काफ़ी अमेजिंग थे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, डेलोइट, KPMG, EY, Amazon एंड एक्सेट्रा. लास्टली बहुत ही ब्रीफली हम इसका करिकुलम देख लेते हैं. वॉट ऑल यू लर्न इन अ स्पैन ऑफ 10 semesters, यू स्टडी सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स अराउंड मैनेजमेंट, अराउंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफकोर्स, क्योंकि उसके बिना आपका जो ब्लेंड है वो अधूरा है. This was all about National Forensic Science University's IPM program. I really hope you liked the video. Agar aapko koi bhi question hai, so you're really welcome to post it in the comment section and we'll be more than happy to resolve all your queries. I'll see you with another set of amazing video next time. Thank you.